तो लोकसभा चुनाव का चौथा चरण, उसकी वोटिंग सुबह से चल रही है 96 सीटों पर, और सुबह 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज जारी किया गया है। 24.87% मतदान इन 96 संसदीय क्षेत्रों में सुबह 11 बजे तक हुआ है। आंध्र प्रदेश में 23.10%, जबकि बिहार में 22.54% मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर में 14.94%, तो झारखंड में 4 सीटों के लिए जहां पर मतदान हो रहा है 27.40% वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश में 32.38% 11 बजे तक मतदान दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र में 17.51% मतदान हुआ है। ओडिशा में 23.28%, तो तेलंगाना में 24.31% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में 13 संसदीय क्षेत्रों में जहां पर आज वोटिंग हो रही है उनमें 27.12% मतदान हुआ है, जबकि पश्चिम बंगाल में 8 सीटों पर मतदान हो रहा है, वहां 32.78% पश्चिम बंगाल में मतदान हुआ है। 11 बजे का जो मत प्रतिशत आया है वो हम आपको बता रहे हैं, 24.87% 96 संसदीय क्षेत्रों में। आंध्र प्रदेश में 23.10% मतदान हुआ है, जबकि झारखंड में 27.40 और करीब करीब 15% जम्मू कश्मीर में मतदान हुआ है। ओडिशा में 23.28%, तेलंगाना में 24.31%, उत्तर प्रदेश में 27.12% और पश्चिम बंगाल में 32.38% मतदान हुआ है। चौथे चरण का मतदान लगातार जारी है, सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। 11 बजे तक का जो प्रतिशत आया है 24.87%, हर बूथ पर बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुटे हुए हैं और सुबह से ही कतार देखने को मिल रहा है। कई दिग्गजों की किस्मत भी आज ईवीएम में कैद हो रही है। कन्नौज की बात करें तो कन्नौज में सुब्रत पाठक, जो पिछले चुनाव में जीते थे, डिंपल यादव को उन्होंने हराया था, अब इस बार उनका मुकाबला अखिलेश यादव से है। साक्षी महाराज उन्नाव में पिछले 2 बार से लगातार जीतते आ रहे हैं, अनु टंडन से उनका मुकाबला है। और इसके साथ ही खीरी की बात करें तो अजय मिश्र टेनी बीजेपी के उम्मीदवार, केंद्रीय मंत्री उत्कर्ष वर्मा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से उनका मुकाबला है। अंशय कालरा बीएसपी के उम्मीदवार इस लड़ाई को त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आसनसोल में मुकाबला रोचक है, शत्रुघ्न सिन्हा सिटिंग एमपी टीएमसी के टिकट पर, और इनका मुकाबला एसएस अहलुवालिया बीजेपी के उम्मीदवार हैं और उनके खिलाफ है। इसके साथ ही बहरामपुर की बात करें तो अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के उम्मीदवार, जिनका मुकाबला यूसुफ पठान टीएमसी के से है, और निर्मल कुमार साहा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। त्रिकोणीय मुकाबला बहरामपुर में भी। वर्धमान दुर्गापुर की बात करें तो कीर्ति आज़ाद यहां पर उम्मीदवार हैं, दिलीप घोष बीजेपी के उम्मीदवार हैं और सुकृति घोषाल CPIM से उम्मीदवार हैं। कृष्णानगर से महुआ मोइत्रा टीएमसी के उम्मीदवार हैं, अमृता रॉय बीजेपी की उम्मीदवार हैं, और SM सादी CPM से यहां पर चुनाव मैदान में हैं। बेगूसराय से गिरिराज सिंह भारत सरकार में मंत्री बीजेपी के उम्मीदवार हैं और इस बार उनका मुकाबला अवधेश राय CPI के उम्मीदवार से है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय उजियारपुर से एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं और आलोक कुमार मेहता RJD के उम्मीदवार से उनका मुकाबला है। हम ये बता रहे हैं जहां पर आज चुनाव हो रहा है और उन दिग्गजों के बारे में जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही है। मुंगेर संसदीय क्षेत्र से JDU के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह उम्मीदवार हैं, अनीता देवी RJD की उम्मीदवार से उनका मुकाबला है। खूंटी से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं और उनके खिलाफ कालीचरण मुंडा चुनाव मैदान में हैं कांग्रेस के। पिछली बार भी खूंटी से अर्जुन मुंडा चुनाव जीते थे। और सिंहभूम में गीता कोड़ा इस बार भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं और जोबा मांझी JMM की उम्मीदवार से उनका मुकाबला है। कांग्रेस से पिछली बार जीती थी गीता कोड़ा और अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। महाराष्ट्र के बीड संसदीय क्षेत्र में पंकजा मुंडे बीजेपी की उम्मीदवार का मुकाबला है बजरंग मनोहर सोनवाने से, जो कि NCP के उम्मीदवार हैं। माधवी लता हैदराबाद की बात कर रहे हैं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं और उनके खिलाफ बीजेपी ने माधवी लता को अपना उम्मीदवार
बनाया है। यहाँ से कांग्रेस भी चुनाव मैदान में है। सिकंदराबाद तेलंगाना से जी किशन रेड्डी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। दानम नागेंद्र कांग्रेस के उम्मीदवार और पद्मराव टी बीआरएस के उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव मैदान में हैं। सिकंदराबाद से बंदी संजय कुमार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, विनोद कुमार बीआरएस के उम्मीदवार हैं। और कांग्रेस ने भी राजेंद्र राव को अपना उम्मीदवार यहां से बनाया है। दिग्गजों की बात हम कर रहे हैं। कडपा आंध्र प्रदेश से वाईएस शर्मिला यहां पर चुनाव मैदान में हैं। अविनाश रेड्डी यहां से वाईएसआरसीपी से उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी का गठबंधन है आंध्र प्रदेश में चुनाव मैदान में। पहले चरण में 66.14% मतदान हुआ था, दूसरे चरण में 66.71% मतदान हुआ और तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो 65.68% मतदान हुआ। और आज चौथे चरण के मतदान की हम आपको बता रहे हैं, 11 बजे तक करीब करीब 25% मतदान हुआ है और माना यह जा रहा है कि इस बार का जो मतदान है वो पिछले तीन चरणों से बेहतर होगा। तो चौथे चरण में कुल 17.70 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 8.97 करोड़ पुरुष मतदाता हैं, 8.73 करोड़ महिला मतदाता हैं, 11,682 दिव्यांग मतदाता और 100 साल से ऊपर के जो मतदाता हैं उनकी संख्या 705 है। 64 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं जो आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं इस चौथे चरण में 96 संसदीय क्षेत्रों में, जहां पर आज सुबह से वोटिंग हो रही है और काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है इन संसदीय क्षेत्रों में। सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई हैं, वोटरों की अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हर आम और खास और हर एक तस्वीर हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं और हर अपडेट दे रहे हैं। काफ़ी रोचक मुकाबला है कई जगहों पर। कन्नौज में अखिलेश यादव चुनाव मैदान में उतरे हैं सुब्रत पाठक के खिलाफ और इमरान बिन जफर बीएसपी के उम्मीदवार हैं। तो उन्नाव में साक्षी महाराज हैट्रिक बनाने के लिए एक बार फिर से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर उतरे हैं। अनु टंडन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार यहां से चुनाव मैदान में है। हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हर जगह की हर तस्वीर इन 96 संसदीय क्षेत्रों की, अलग अलग बूथों की, जहां पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महिला शक्ति की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि महिलाएं काफ़ी बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा ले रही हैं और इन तस्वीरों में भी आप देखिए महिलाओं के बारे में हर जगह से रिपोर्ट भी आ रही है कि बड़ी संख्या में महिलाएं कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और ये तस्वीर भी हम आपको जिस बूथ की दिखा रहे हैं वहाँ पर भी देखिए महिलाओं की संख्या, महिला वहाँ पर वोट करने के लिए मतदान केंद्र पर हैं।